खरौंधी से योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। खरौंधी शनिवार को प्रखंड कार्यालय में प्रखंड उप प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। कार्यालय में प्रवेश होने से पहले पंडित जी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यालय में प्रवेश किए। जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव एवं खरौंधी जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान एवं नव निर्वाचित उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किए। उद्घाटन के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिले और उनका हाल चाल जाना। जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि इस क्षेत्र में विकास करें और सभी लोग एक साथ मिलकर सहयोग करें। एवं सभा के समापन होने के बाद जिला परिषद सदस्य के उपाध्यक्ष ने प्रखंड सभागार में घूमकर सभी कार्यालयों का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान बहुत ही गंदगी पाई गई, जिस पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहे कि जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह प्रखंड कार्यालय के सभागार को भी साफ रखें। जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक प्रमुख रहे हैं तब तक खरौंधी प्रखंड का चहुमुखी विकास किया है। पुनः आप सबों ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनने का काम किए हैं। मैं इस पर खरा उतरते हुए खरौंधी प्रखंड का विकास करेंगे। इसके लिए मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी जनप्रतिनिधि मिलजुल कर खरौंधी प्रखंड को और तीव्र गति से विकास के पथ पर ले जाएंगे। इस मौके पर पूर्व उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी, बीडीसी देववंश गुप्ता, बाबूलाल पासवान, अजय बैठा, उदय अलबेला, हिफाजत अंसारी, संतोष कुमार सिंह, राकेश उरांव, अभिजीत किशोर, राजेंद्र गुप्ता, सोनू कुमार, विनोद यादव, ब्रिज बिहारी द्विवेदी, पप्पू गुप्ता समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।